नमस्कार साथियों, विदेश जाते हैं तो आपको ये लगता है कि मैं भी ये बोलता हूँ कि भैया आप लिखापटी कर लो, स्टाम्प पे लिखवा लो, लेकिन आप सब कुछ कर लेते हैं। आपने एजेंट को पैसा दिया, स्टाम्प पे लिखापटी कर ली, पूरी कंडीशन लिख दी, उसके बाद वो अगला आपके साथ चीट कर लेता है, आपको चीटिंग कर लेता है, तो आप क्या करोगे? सबूत देखिए, आपको दिखाता हूँ। सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर रोज नई अपडेट मिलती रहे। मेरे जिले का मैटर है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, देख सकते हैं। लक्ष्मीगढ़ विदेश भेजने के नाम पर ठगी, दुबई में नौकरी लगवाने का दिया झांसा, मात्र 69,000 रुपये, यानी 60,000 में भी भैया 1,000 रुपये कम थे और ठगी कर ली। ये पुलिस स्टेशन आपको दिख रहा होगा जी। अब आप इसको पढ़ना पहले, इसमें देखो क्या लिखा है। विदेश के नाम पे ठगी करने का मामला, ठीक है। ये गांव का नाम है। जगदीश प्रसाद ने बताया कि लक्ष्मीगढ़ शहर के वार्ड संख्या 5 में मोतीलाल और उसके पुत्र राकेश कुमार मेरे घर पे आए और मेरे पुत्र राजकुमार को दुबई में अच्छी नौकरी लगाने की बात कही और साथ ही राजकुमार को दुबई में नौकरी के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलने की बात कही, ठीक है जी। राजकुमार को दुबई भेजने के लिए आपको वीजा के 69,000 रुपये देने होंगे, उसके बाद उसका वीजा बन कर आएगा, उसका वीजा बंदा बेटा विदेश चला जाएगा। 11 मार्च 2022 को 100 रुपये के स्टाम्प पे लिखापटी करके रुपये दे दिए, उसके बाद मोतीलाल और मेरे बेटे को राकेश को 1 माह तक चक्कर कटवाता रहा और झूठा आश्वासन देता रहा, उसके बाद रुपए वापस मांगने पे पैसा देने से साफ मना कर दिया। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया। परिवाद के जरिए लक्ष्मीगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यहाँ पे एक वर्ड आया, आपने गौर नहीं किया होगा, ये देख सकते हैं परिवाद, यहाँ पे क्या लिखा है जी, परिवाद के जरिए। अब परिवाद का मतलब ये होता है भैया, डायरेक्ट पुलिस अगर आपकी FIR दर्ज नहीं करती है तो आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, उसके लिए एक एडवोकेट वकील करना पड़ता है। वकील को आप पूरी स्टोरी बताओगे, अपने डॉक्यूमेंट दोगे, उसके बाद वो एक नोटिस पहले SP के नाम से निकलता है, एक थाने के नाम से निकलता है, उसके बाद में उसमें टाइम दिया जाता है 15 दिन का, उसके बाद कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है, यानी कोर्ट में इस्तगासा। अगर पुलिस आपकी FIR किसी मामले में दर्ज नहीं करती है तो कोर्ट में आप इस्तगासा करोगे और कोर्ट में आप एविडेंस लगेंगे, आपकी एक दो पेशी पड़ेगी, 2-3 महीने तक लग जाते हैं कई बार, उसके बाद में कोर्ट को ये लगता है कि हाँ मामला जेन्युइन है, पुलिस इसकी FIR दर्ज नहीं करी है, तो फिर कोर्ट पुलिस को आदेश देता है कि इसका मामले को दर्ज करके FIR दर्ज करके मामले की जांच की जाए। तो सेम कंडीशन ये है। अब भाई साहब ने 69,000 रुपये दिए थे, ठीक है जी, और इसको इतना टाइम हो गया, उसके बाद में कोर्ट के जरिए मुकदमा दर्ज करवाया, तो वकील ने पैसे तो लिए होंगे ना। अब कम से कम 10,000 रुपये वकील की फीस है, 100% आप यकीन करें। 10,000 उधर करके बच गए, 60 में से देख लो निकाल लो भाई, कितने 50,000 के करीब बच गए। अब ये मामला पुलिस में चला गया, अब पुलिस जांच करेगी, ऐसे हो जाता है क्या? पैसा नहीं लगेगा आपका? आपको लगता है कि पुलिस स्टेशन में आप जा रहे हो और आपका काम हो रहा है बिना पैसे? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, खर्चा लगेगा ना। ये झंझट क्यों हुआ? ये झंझट इसलिए हुआ कि ये बंदा लक्ष्मीगढ़ में, इसके घर पे एजेंट आया, ये तो चलो छोड़ दो बात, ये तो ऐसे ही है, लेकिन लक्ष्मीगढ़ में मैन पावर ऑफिस है, वहां ये बंदा क्यों नहीं गया जी? अगर इसको बाद में इतना पता था कि वकील के जरिए मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, उससे पहले ये सोच लेता। इनके इनके उधर जाते हैं तो इनके शहर के पास 8 से 10 ऑफिस हैं, दूसरे शहर के पास इनके ऑफिस 2-3 ऑफिस, मैन पावर ऑफिस हैं, वहाँ ये नहीं गया। अब इनके लपेटे में आया तो ये कोर्ट का, पुलिस का, कचहरी का चक्कर काटता फिर रहा है। ये मामला यहीं थोड़ी रुकेगा, ये मामला लंबा तक जाएगा, बंदे चक्कर काटते रहो कोर्ट के। ये स्थिति से बचने का भैया एक उपाय यही है, बस मैन पावर ऑफिस से अप्लाई करो तो इस झंझट से बच जाओगे। अगर यही काम अगर यहाँ पहुँच जाता, इनके दोनों तरफ मैन पावर ऑफिस है, मैं क्यों लोकल है मेरे तो मैं जानता हूँ, अगर ये दोनों तरफ कहीं पर भी पहुँच जाता तो इस नौबत नहीं आती है। ये बंदा आज विदेश गया होता और अच्छा खासा 25,000 रुपये कमा रहा होता, मजदूरी भी करता तो भी 20-25,000 रुपये मिल जाते, लेकिन यहाँ ये नहीं गया, इसलिए इसको ये दिक्कत आई। तो आपको ये वीडियोज़ के माध्यम से जानकारी देने का मतलब यह है कि इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। पहली बात, मैन पावर ऑफिस से अप्लाई करोगे, अगर अप्लाई कर भी दिया है फिर भी आपको डाउट है तो पैसा देने से पहले अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई जरूर कर लें या करवा सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि अभी तो इतने हो, बाद में ज्यादा लंबे न फंस जाओ, समझ रहे हैं बात को। तो बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।